राजनांदगांव जिले के मत्स्य विभाग के पूर्व सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गीतांजलि गजभिये पर केज कल्चर के नाम से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मत्स्य विभाग राजनांदगांव की पूर्व सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को विभागीय कार्यों में योजना से प्राप्त राशि का दुरुपयोग करना एवं कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से योजना के लाभ दिलाए जाने की जाँच विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, जहाँ विभागीय कार्य केज कल्चर मछली पालन के लिए शासन से स्वीकृति राशि 2,16,00,000 रुपए की स्वीकृति में हितग्राहियों के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्रदान करते हुए विभाग को प्राप्त अनुदान राशि में अनियमितता एवं राशि का दुरुपयोग करना पाए जाने पर आरोपिया एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फार्मों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी। कोतवाली थाना राजनांदगांव द्वारा प्रकरण के संबंध में पूछताछ कर आरोपिया द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। विभाग राजनांदगांव द्वारा उनके यहाँ करीब 2,16,00,000 के घोटाले की रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसमें जांच पड़ताल के उपरांत जो है उनके सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया।